Good morning to my dear student. I hope you all are good and healthy at your home. Today we practice something new topic. आज हम लोग कुछ नए टॉपिक पे पढ़ेंगे बेटा, ओके? Before start the topic, we know about the day and date. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या जानेंगे? डे और डेट. Now, day is Wednesday and date 26 month 8 years 2020. Now, let's start the topic. Our topic is expanded form. आज की टॉपिक expanded form की है बेटा. Expanded form means it show the value of the number. Expanded form का मतलब ये बेटा, जो नंबर यहाँ है उनकी वैल्यू बताना. It will be the tens, ones and hundred, etc. Tens है, ones है, hundred है या और भी कोई नंबर है. Okay, now start. W R I T E write T H E the E X P A N D E D expanded F O R M S from write the expanded form. Write the आज हम लोग write करेंगे expanded form, मतलब numbers को बढ़ा कर लिखना, उनकी value बता के लिखना. यहाँ पे जैसे write है 45, क्या है बेटा 45. 5 की वैल्यू बतानी है और हमें 4 की वैल्यू. 5 आपका वंस पे है और 4 आपका टेंस पे है. तो यहाँ पे हम 45 को किस तरह से डिफाइन करना है वो बताना हमें. 5 वंस पे है तो यहाँ पे बेटा हम लोग राइट करेंगे 5, क्योंकि सिंगल नंबर है 5. और 4 क्या है? टेंस में है. तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे 40 प्लस 5 बनकर क्या होता है बेटा? 45. ऐसे यहाँ पे राइट है 26. पहले हम 6 की वैल्यू बताएंगे. 6 की वैल्यू वंस पे है तो यहाँ पे हम लोग 6 राइट करेंगे. 2 की वैल्यू टेंस पे है तो यहाँ पे 20 राइट करेंगे. 20 प्लस 6 क्या होगा बेटा? 26. यहाँ पे ऐसे 12 दिया है, 2 की वैल्यू बता ली और 1 की वैल्यू. 2 की वैल्यू 1 पे इसलिए 2 राइट रहेगा और 1 की वैल्यू 10 पे राइट है तो यहाँ पे हम लोग 10 लिखेंगे. 10 प्लस 2 बन के ही तो बेटा 12 होता है ना? ओके, यहाँ पे 15 है. तो ऐसे 5 की पहली वैल्यू बताएंगे 5, फिर यहाँ पे 1 की, तो 1 किस पे राइट है? 10 पे. 10 पे तो यहाँ पे 10 राइट करेंगे. 10 प्लस 5 50, गुड. यहाँ पे 36 है. पहले 6 की वैल्यू क्या है? 6 है क्योंकि सिंगल नंबर है, वंस पे राइट है और 3 टेंस पे राइट है. यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 30. तो 30 प्लस 6 मन के क्या होता है बेटा? 36. यू ऑल आर नोट डाउन द वर्क इन योर मैथ्स कॉपी एंड प्रैक्टिस इट देम डेली. आप लोग अपने मैथ्स कॉपी में राइट करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा. आई होप यू ऑल आर एंजॉय द क्लास एंड नो अबाउट समथिंग. आप लोगों ने एंजॉय किया होगा क्लास में और कुछ नई चीजें सीखी हैं. वी मीट सून एंड विथ न्यू टॉपिक. अगली बार हम लोग फिर से कोई नई टॉपिक पे बात करेंगे और पढ़ाई करेंगे. थैंक यू. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ.